नमस्कार। सो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पहला स्टेट हरियाणा, जिसने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है 23 के एडमिशन के लिए। और खुशी की बातें ये हैं कि फीस नहीं बढ़ी है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में। सो ये पहली चीज़ है। वैसे 32 पेज का ये नोटिफिकेशन है। जो मुद्दे की बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। हम हमेशा से जानते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, जो कल भी मैंने वीडियो बनाया था कैटेगरी को लेकर, लोग थोड़ा सा उसको गलत सेंस में ले गए, तो मैंने 2-3 कॉमेंट डाले हैं। सो जो भी उस वीडियो को सुन रहा है वो प्लीज़ उस कमेंट को ज़रूर चेक करें। देखिए, चाहे मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन व्हेन आई एम अ काउंसलर अ प्रोफेशनल, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। एंड आई एम पर्सनली आउट ऑफ दिस थिंग ऑफ कैटेगरी। वो तो बेसिकली जब हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं यूआर वालों के बच्चों के कि सर मैंने अपनी कैटेगरी रैंक चेक करी थी, ऑल इंडिया रैंक चेक की थी, मैं तो अंदर था, फिर मुझे गवर्नमेंट सीट क्यों नहीं मिलती या मिली लास्ट ईयर। तो मैंने वो समझाने लगा था कि लोगों ने यही नहीं पता कि रिजर्वेशन चलती कैसे है। लोगों को लगता है कि यूआर कैटेगरी की बिल्कुल फिक्स 40% सीट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अनरिजर्व्ड। सो वो पहले मेरिटोरियस बच्चों को दी जाती है और उसके बाद रिजर्वेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये सबको समझना चाहिए, क्योंकि आप अभी आप देखेंगे जो इस साल नए बच्चे आए हैं, जब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, स्टेट मेरिट लिस्ट आएंगी, और जो हमेशा कहते हैं खासकर दिल्ली के केस में और आईपी के जब आती है, एक एक सीट काउंट की जाती है, एक एक सीट। हम एस्टीमेट लगाते हैं आपकी रैंक ये, आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, और वो एस्टीमेशन करते समय गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने आप सबके बेनिफिट के लिए वीडियो बनाया था। स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं अभी कोई इस साल हरियाणा में नया कॉलेज खुद नहीं आया। हम सभी जानते हैं MMU साधोपुर एज वेल एज अमृता, बोथ आर गोइंग टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो वो डीम्ड MCC में आएगी। हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर सेम कॉलेजेस हैं, कोई नया BDS नहीं, कोई नया MBBS नहीं, कोई नई सीट नहीं बढ़ी है, ठीक है। और वो जो बॉन्ड है वो भी लागू है। हम सभी जानते हैं, देखिए कि जो फेमस यूनिवर्सिटी है वो है पंडित भगवत दयाल शर्मा। और आप चाहोगे ना, मैं आपको ये भी समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है। तो कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं, सर SGT तो SGT यूनिवर्सिटी के अंदर है या अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो वो डीम्ड नहीं है क्या? देखिए, डीम्ड बनना ना बनना आपकी चॉइस है। तो वही, चाहे SGT यूनिवर्सिटी अपने आप में यूनिवर्सिटी है, पर जो उनका मेडिकल कॉलेज है उसकी डिग्री वो खुद से ना देखे, मतलब डिग्री भी खुद से देते हैं SGT यूनिवर्सिटी की, लेकिन फिर भी जो उसकी प्रोसेस है वो सब कुछ है, दे आर टेक्निकली हरियाणा स्टेट प्राइवेट कॉलेज, सो इज अल्फला, ओके। और एक क्लासिक केस भी है महाराजा अग्रसेन अग्रोहा का, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले 2-3 पेज में जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के स्टेट प्राइवेट कॉलेज में भी NRI सीट होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी दो चार NRI सीट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हम जानते हैं कि PGMS रोहतक, कल्पना चावला, भगत फूल सिंह जो सिर्फ लड़कियों के लिए हो गया, शहीद हसन खान मेवाती, नया जो आया अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद, और ESI फरीदाबाद, ये कुल 6 प्योर सरकारी कॉलेज है। इन 6 में भी देखिए, ESI जो होता है ना, चूँकि वो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आता है और उसके अंदर इंश्योर्ड पर्सन कोटा होता है, तो इन 6 कॉलेज में से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती है। बाकी जो 85% सीटें बचती हैं उसमें किसी कॉलेज में NRI सीट है, और ESI फरीदाबाद में तो पूरी जो बचती 45% हम जानते हैं उसमें आधी सीटें IP कोटा होता है। और चूँकि ESI स्पेशल केस होता है, इसलिए ESI में ही सिर्फ वो हमारा हरियाणा का बॉन्ड नहीं लगता, वो इन बाकी 5 कॉलेज में लगता है। अब एक क्लासिक केस समझिए महाराजा अग्रसेन का, क्योंकि इंडिया का ये सबसे अनोखा कॉलेज है। फीस 1,80,000 रुपये साल की है, पर अब इस पर बॉन्ड लागू होता है, लास्ट ईयर से शुरू हो गया। सो 2021 के बैच के बड़े मजे आए थे लोगों को, क्योंकि वो बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पे लागू था, तो लोगों ने दबा के अग्रसेन अग्रोहा भरा था। बट लास्ट ईयर क्लैरिफिकेशन आ गई कि इस पर भी बॉन्ड लागू है, फीस 1,80,000 है, बाकियों की तो फिर 1,00,000 है। तो जब बॉन्ड लागू है तो अग्रसेन की प्रायोरिटी फिर से जो पहले हुआ करती थी नीचे आ गई, वरना 2021 में वो नंबर 2 हो गया था, ऑफकोर्स आफ्टर PGMS रोहतक। ESI पे बॉन्ड नहीं लग रहा है, PGMS रोहतक नंबर 2 फेवरेट, कल्पना चावला नंबर 3 फेवरेट, और फिर मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि शहीद हसन खान मेवाती बहुत अच्छा हॉस्पिटल कॉलेज है, बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो है, और अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद में आया ही है, भगत फूल सिंह है ही लड़कियों के लिए। तो महाराजा अग्रसेन, देखिए फीस सरकारी है पर है प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट है इसलिए वो ऑल इंडिया कोटा में नहीं आता, सरकारी लिस्ट में नहीं आता। पर हम कहते हैं जब प्राइवेट है तो भाई फिर वो क्या हरियाणा के बाहर के बच्चे ले सकते हैं? नहीं, उस केस में सरकारी है, जी हाँ। तो सोचिए, जब हरियाणा का बच्चा फॉर्म भरता है तो उसको सारे कॉलेज नज़र आते हैं, 85% सरकारी सीटें, 100% अग्रोहा की सीटें, और बाकी सीटें बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की। नॉन हरियाणा का जब बच्चा हरियाणा का फॉर्म भरता है तो सरकारी तो उसको नज़र नहीं आएंगे, उसे अग्रोहा भी नज़र नहीं आएगा,
और बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो नज़र आएंगे। और जैसा कि हम जानते ही हैं जो बाकी 5 प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी हर कॉलेज में 15% NRI सीटें हैं, बट बाकी 85% में ये भी ध्यान रखिएगा पहले 50% पिछले 50% सीटें हरियाणा डोमिसाइल के लिए 3 कॉलेजों में NC इसराना, झज्जर और आदेश, SGT और अल्फला में वो रिजर्वेशन लागू नहीं होता। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चलता है, कोई फीस में रियायत नहीं है, बट ये है कि हरियाणा स्टेट की मेरिट लिस्ट अलग बनती है, तो थोड़े से 5-10 कम नंबरों पे भी आपको सीट मिल जाती है। और इन 50% स्टेट कोटा सीट्स पे इन 3 कॉलेजों में कैटेगरी रिजर्वेशन भी है। जो बाकी 35% सीटें हो गई जो काइंड ऑफ मैनेजमेंट सीट बोली जाती हैं या जिसमें आउटसाइड हरियाणा भी एलिजिबल है, उसमें कोई कैटेगरी कोटा नहीं है, NRI में तो होता ही नहीं है और SGT अल्फला में ये कोटा नहीं होता। क्लियर हो गया? मुझे पता है कि आसान नहीं है समझना, समझिए। हम जानते हैं एक ही BDS कॉलेज है रोहतक में, फिर से 7 प्राइवेट मेडिकल BDS कॉलेज हैं, 5 वो हैं जो अपना पंडित भगवंत दयाल शर्मा के अंदर से डिग्री देते हैं, जो कि स्वामी देवी दयाल, JN कपूर, सुधा रस्तोगी फरीदाबाद वाला, जन नायक सिरसा का और यमुना डेंटल यमुना नगर। सो 2 यमुना नगर में हैं, 2 अपने ऊपर वाले हरियाणा की साइड पे हैं सिरसा और बरवाला में, और 1 फरीदाबाद में है। इसके अलावा 1 PDM बहादुरगढ़ जो PDM यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है, और फिर से SGT डेंटल कॉलेज जो SGT की देता है। सो हम ये देख सकते हैं कि हरियाणा में जिसे बोलते हैं ना GT रोड पे अब कोई कॉलेज नहीं है। जी हाँ, यमुनानगर में हैं 2, बट अगर वैसे नोट करेंगे तो पानीपत, सोनीपत, करनाल, अम्बाला, पंचकुला, इस पूरे एरिया में कोई BDS का प्राइवेट कॉलेज या BDS का कॉलेज ही नहीं है। तो दिल्ली NCR में 3 पड़ जाते हैं, बहादुरगढ़ हो गया, गुड़गावा हो गया, फरीदाबाद हो गया, 2 यमुनानगर में हैं, रोहतक में सरकारी है। तो जो हरियाणा के इस बेल्ट के बच्चे हैं उनको हॉस्टल में ही जाना पड़ता है। और फिर मैं सजेशन देता हूँ, जब हॉस्टल में जाना ही है तो ऐसा ज़रूरी होता है कि हरियाणा के अंदर ही लें, जब आप फीस भर रहे हैं तो बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, यह आपके लिए मैंने आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया है। आप हमेशा याद रखिए EWS कैटेगरी हरियाणा में 6 लाख रुपये पर होती है, 8 पे नहीं। सो जो EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके पास 6 लाख का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EWS के अलावा एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनता है हरियाणा में। तो हमेशा ना बच्चे लास्ट में भाग रहे होते हैं, तो आपको दोनों करना है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बोलते हैं, राइट। अब हरियाणा में एडमिशन लेने ले ऐसा कुछ खास नहीं है। हम जानते हैं बॉन्ड की कीमत 30 लाख रुपए कर दी गई थी 40 लाख से घटा के, बट बॉन्ड है और उसको हटाया नहीं गया है। इन्होंने बोला है आपको कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड फॉर पार्टिसिपेटिंग फॉर सेकेंड राउंड। सो जो लोग फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं भी करेंगे उनको सेकेंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा। ठीक है, और दो इनकी वेबसाइट्स होती हैं, हम भी आपकी हेल्प करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा जो सिर्फ सरकारी सीट लेना चाहते हैं, और 1 लाख रुपये रहेगा जो प्राइवेट MBBS भी लेना चाहते हैं। सेम है, मतलब कोई खास चीज़ नहीं है, हर सेम सर्टिफिकेट है। शुरू में 2,500 रुपये अलग से देने हैं पहले जो रजिस्ट्रेशन है फॉर अनरिजर्व, और 1,250 रुपये 1-50 फॉर कैटेगरीज, 10,000 फॉर NRI। चूँकि जैसे मैंने कहा यहाँ पर NRI सीटें भी हैं, एक बहुत बड़ा चेंज आया NRI में। देखिए हमेशा इसमें NRI में प्रायोरिटी होती है, हमेशा 5 होते थे, इस बार 6 हो गए हैं। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा वही है जो बच्चा खुद NRI है और उसके पुश्ते हरियाणा से बिलोंग करती थी। नंबर 2 प्रायोरिटी है बच्चा जो खुद इंडिया में था पर उनके जिसे बोलते हैं ना माँ बाप, और माँ बाप NRI हैं और वो फंडामेंटली हरियाणा से बिलोंग करते थे। नंबर 3 प्रायोरिटी देते हैं कि बच्चा NRI है और हरियाणा से बिलोंग नहीं करता था। प्रायोरिटी 4 है कि बच्चे के पेरेंट्स NRI हैं, हरियाणा से बिलोंग नहीं करता था। पर नंबर प्रायोरिटी 5 अलग से आ गई है कि बच्चे का सगे भाई बहन, रियल ब्रदर सिस्टर अगर वो NRI हैं तो भी प्रायोरिटी 5 है, देखिए, राइट। और फिर प्रायोरिटी 6 जो हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिलेशंस, जिसको हम NRI स्पॉन्सर्ड भी कह देते हैं, वैसे कैटेगरी 5 भी NRI स्पॉन्सर्ड ही आएगा। इसमें मैं हमेशा समझाता हूँ, दादा दादी नाना नानी सगा चाचा ताऊ बुआ मौसी और मामा और या उनके बच्चे, ठीक है। तो एच उनके बच्चे भी नहीं आते, फर्स्ट डिग्री हाँ आ जाते हैं, तो उन सबके बच्चे भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ये जनरली NRI रहने चाहिए, और फिर भी NRI में कोई सीट बच जाएगी तो फी स्ट्रक्चर कोई जैसे मैं बोला चेंज नहीं हुआ है। सो उन तीनों कॉलेज में 12 लाख रुपए हैं जो प्राइवेट कॉलेज, 18 लाख रुपए है
SGT, तो SGT में बड़ी हवा उड़ रही थी कि 19.5 लाख रुपये कर दिया जाएगा। इस ब्रोशर के हिसाब से 18 लाख की फ़ीस है और अल्फला वही 12,75,000 रुपये लेता है विदाउट इंक्रीमेंट, सॉरी 14,75 था, क्योंकि ये जो 12 लाख की फ़ीस है ना, ये हर साल 7.5% से बढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और वो बढ़ाने के कारण, तो जैसा मैंने बोला कि EWS इनकम डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट बनता है, वो बनवाइएगा। जो भी नोटिस आया है, जो आपको DMER की वेबसाइट में मिल जाएगा, 32 पेज का है, तो पेज नंबर 11 से वो फॉर्मेट शुरू हो जाते हैं। जो भी हरियाणा के लोग हैं वो अभी बनवा ले जो अच्छा है, खासकर जिसको हरियाणा डोमिसाइल का या EWS का बेनिफिट लेना है। ओके, सरकारी फ़ीस वही 80,000 90,000 जो MBBS कॉलेज थे। जैसा मैंने कहा, सर्विस बॉन्ड आज भी है, सारे उसके फीचर्स बता दिए गए हैं कि भाई लोन दिला दिया जाता है, वो सब चीज़ें हैं। तो सर, आई एम श्योर कि सब लोग हरियाणा वाले हरियाणा बॉन्ड के बारे में अब जानते ही हैं। सो लास्ट ईयर जो इन्होंने बॉन्ड को रिवाइज करके कम कर दिया था और काफ़ी कंडीशंस चेंज कर दी थी, उसका अलग से वीडियो मैंने बना रखा है पहले ही चैनल पे, आप देख लीजिएगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, फीसें बिल्कुल सेम हैं। NRI की फ़ीस जो सरकारी कॉलेज के अंदर है वो $1,25,000 है, तो आप समझ जाइए इकट्ठे देनी होती है, तो मोटा मोटी बिल्कुल आज के रेट के हिसाब से 1 करोड़ रुपये तो फीस आपको देनी है जब आपको सरकारी NRI सीट चाहिए इन सरकारी कॉलेजों में, ठीक है, पूरे 1 करोड़ रुपये फ़ीस है। और अग्रोहा में बल्कि उल्टा हिसाब है, अग्रोहा में जो NRI की फ़ीस है वो $75,000 है आज भी, और वो पर ईयर फीस लेते हैं, तो अग्रोहा में जो NRI की फ़ीस है वो आपको कम पड़ेगी, और काफ़ी कम पड़ेगी एक्चुअली, क्योंकि $75,000 तो बहुत रीज़नेबल है, मतलब। तो अगर आप NRI हैं तो अग्रोहा की सीट ले सकते हैं, क्योंकि $75,000 तो 60 लाख ही पड़ा, काफ़ी सस्ता दे रहा, और आप बॉन्ड से ही बचोगे, इट इज़ एक्चुअली वेरी चीप, तो हम ये कर सकते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने कहा, BDS तो और सस्ता होता है, वो 12 लाख की फ़ीस, 12 लाख की फ़ीस ही है, 7.5% एग्रीमेंट है 3 कॉलेजों में, आदेश, NC और झज्जर, और उन 3 कॉलेजों में NRI की फ़ीस $1,10,000 है, मतलब अग्रोहा से बहुत ज़्यादा, अग्रोहा $75,000 ले रहा है। BDS की फ़ीस $2,80,000 रुपये पर ईयर है विद 5% इंक्रीमेंट, तो वो जो 5 कॉलेज थे उनमें चीज़ लागू होगी। BDS में NRI की सीटें भी हैं $44,000, SGT की फ़ीस 18 लाख ही बताई जा रही है, BDS 3.5 लाख रुपये, SGT में भी NRI हम जानते हैं $40,000 पर ईयर फीस, और पूरे 4.5 साल की देनी है, तो बहुत महंगा पड़ता है खैर SGT की NRI फ़ीस, तो मतलब जो जस्ट नीट क्वालिफाइड है उसके लिए है ये जुगाड़। अल्फला जैसे मैंने कहा था है 12,75,000, बट कोई इंक्रीमेंट नहीं है हर साल, बट वो 1.5 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्ज के नाम के लेते हैं, तो 14.25 लाख पड़ता है। सो चारों जो हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज हैं ना, मोटा मोटी आपको 70-75 की रेंज में पड़ते हैं, और SGT अगर वो 18 लाख की फ़ीस रही तो हॉस्टल मिला के 90 पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हैं, अभी कोई काउंसलिंग शुरू होने में बहुत समय है। आई थिंक पर्पज़ यही है कि जिसको भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने हैं, इनकम सर्टिफिकेट, EWS, OBC, जो भी रिवाइज बनाना है वो बनवा लीजिए, फ्रीडम फाइटर वगैरह उसकी जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं, तो आपके पास इनफ समय है बनाने का, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, 9643362 6230 पे कॉल कीजिए, नंबर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। मैं बार बार समझाता हूँ, जो पहली कॉल होती है वो इसलिए होती है कि आप हमें जान लें, हम आपको जान लें। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो इसके लिए फ्री में बात करते हैं, मेरे पास उतना समय नहीं है। सो 2,500 रुपये हमने रखा हुआ है फ़ोन मीटिंग का, 5,000 रुपये रखा हुआ है फेस टू फेस मीटिंग का। और मैं हमेशा कहता हूँ, लुकिंग एट यूर नंबर्स एंड लुकिंग एट यूर वट यू वॉन्ट, वी फाइनलाइज द कॉस्ट अकॉर्डिंगली। ओके, सो हैव अ नाइस डे फॉर द कम्प्लीट पैकेज, बाय बाय।